देखते हैं कि लोकल का 1800 रिंगिट होती है, जो बोल रहे हैं कि 1500 हम लोग का हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, ये तीन कंट्री का है कि पाकिस्तान के तो वीज़ा नहीं मिलता है, तो उसके बात ही ख़त्म है। बट इतना तीन कंट्री का आदमी का सभी का 1500 रिंगिट है, जो बोलते हैं कि 2000 सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी, 1800 बेसिक सैलरी। हेलो गाइस, आपको सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई ऐसे में बताते हैं कि मलेशिया में भाई ना सबसे पूछते होंगे खास कि भाई की कंपनी में बेसिक सैलरी कितना है भाई। तो भाई में बेसिक सैलरी कंपनी में हम बताते हैं कि लोकल का 1800 रिंगिट होती है, जो बोल रहे हैं कि 1500 हम लोग का हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, ये तीन कंट्री का है कि पाकिस्तान के तो वीज़ा नहीं मिलता है, तो उसके बात ही ख़त्म है। बट इतना तीन कंट्री का आदमी का सभी का 1500 रिंगिट है, जो बोलते हैं कि 2000 सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी, 1800 बेसिक सैलरी है। तो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि भाई बेसिक सैलरी किसको 1800 2000 पे मिलता है, उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल से, कि अच्छा से कि आप भी समझ जाओगे कि क्यों 2000 उसका 2200 का है, 2000 के 1800 अंदर में है, हम लोग की क्यों 1500 मिल रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करना चाहते हैं आप लोगों से। क्योंकि मेरा भी सब्सक्राइबर लोग बहुत पूछते हैं कि भाई की सैलरी बोला था लोग जनवरी में बढ़ जाएगा, कितना यूट्यूब पे तो बढ़ने के लिए बहुत वीडियो आया होगा, बट इतना तो हमको नहीं लगा कि हम भी कंपनी में काम करते हैं, बट किसी हम बढ़ा तो नहीं है। बट एक इसके बारे में हम आपको पूरा अच्छा से बता देंगे कि क्यों इतना बढ़ा है, किसका नहीं बढ़ा है, इसका रीजन क्या है पीछे में, आपको सब कुछ तो भाई एक चीज़ और है कि बोल रहे थे ना 2200, तो भाई जिस साइड में हम लोग का साइड मतलब बड़ा है, जिसका साइड छोटा है, मतलब 3 से 4 ब्लॉक होता है, तो मैं 3 ब्लॉक में उतना कमाई नहीं होता है, तो उसका बेसिक सैलरी क्यों 1800 किया जाता है, क्योंकि वो नहीं बेसिक 1800 2000 करेगा तो भाई वो दूसरा आदमी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि छोड़ के दूसरा साइड में भाग जाता है। इसीलिए भाई ना वो कंपनी क्या करती है, उसको सैलरी ना 1800 से बेसिक सैलरी 2000 के बीच में कर देती है, क्योंकि ये साइड छोड़ के मत कोई जाए भाग के, क्योंकि छोटा ही साइड है, फिर भी उसको काम करना ही पड़ेगा, कहीं कम में काम करेगा 12 बजे आएगा, बट उसका सैलरी इतना बढ़ा के क्यों रखेगा, क्योंकि दूसरा कंपनी दूसरा साइड में मत भाग जाए, बट एक ही कंपनी में रहेगा भाई, ऐसा नहीं कि दूसरा कंपनी में जाएगा, दूसरा कंपनी में एक ही कंपनी में जाएगा, दूसरा साइड लोग चले जाते हैं, इसके लिए भाई ना भागते हैं ना तो साइड बंद हो जाता है कुछ दिन के लिए, इसके लिए ना वो साइड में क्या करते हैं भाई, उसका पैसा बढ़ा के 2000 से 2200 तक ले ना बेसिक सैलरी कर देते हैं, बट हर साइड में ऐसा नहीं मिलता है। बट ये है कि लोकल का सैलरी ना हाई रहता है, क्योंकि भाई ये लोकल लोग हैं, तो उसी कंपनी का है, तो वो लोग को थोड़ा सैलरी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग तो बाहर कंट्री से आते हैं, तो हम लोग बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट है, क्योंकि ना पहले ना 2017 में 18 19 20 में ये सब सैलरी ना 2017 में ना 15 20 में भाई 2020 में कह रहे हैं कि भाई उस समय ना सैलरी इसका 21 में, तो भाई इसका 1200 रिंगिट सैलरी था, तब इस समय 2022 21 हो तो भाई 1500 रिंगिट सैलरी बढ़ाया है इसने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया है, बट इस समय हर साइड में ना नहीं है 2000 का 1800 रिंगिट नहीं हुआ है, हर साइड में अलग अलग रूल होता है भाई, हर साइड की बात को अलग होती है, क्योंकि हर साइड में एक का जैसा काम नहीं चलता है, एक साइड में ज़्यादा काम चलेगा, एक साइड में कम काम चलेगा, एक साइड में ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा काम चलता है, जिस साइड में छोटा साइड रहता है, मतलब ना वो मतलब 3 4 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक में ज़्यादा ही नहीं रहता, छोटा ही सा रहता है, तो उसके में भी कितना होएगा भाई काम, उसके लिए भाई वो साइड का आदमी का सैलरी बढ़ा देता है लोग, इसके लिए भाई सब लोग बोलते हैं कि हमारे साइड में उतना बड़ा है, ये साइड में इतना बड़ा है, हम लोग साइड में क्यों नहीं बड़ा है। तो भाई इसी के लिए मैं बोलना चाहता था, आप लोग को बताना चाहता था कि हर साइड का अलग अलग रूल होता है, बट हम लोग का तो भाई 1500 बेसिक सैलरी था, 3 महीना था, 3 महीना बाद ख़त्म हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट में काम करे सैलरी कहें 1500 रहे, कहें 1700 रहे, 1800 रहे, कहें 2000 रहे, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सैलरी तो मतलब क्या है, अपना काम करेगा हमको उतना ही मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है हमको भी, है यही चीज़ के लिए हम आपको बताना है।
आप लोग तो वीडियो भाई मतलब आप लोग क्या आप जो बताया आप लोग समझ गए होंगे इसका रीजन क्या था भाई, इसका पीछे भी क्या था। बट इतना है भाई सोच समझ के, क्योंकि ये 1500 रिंगिट सैलरी है, बेसिक सैलरी, इतना ही मिलेगा पैसा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हारा किस्मत जो तुम छोटा शहर में चला गया तो वहाँ पे तुम्हारा किस्मत चमक जाएगा, वहाँ पे तुम बेसिक सैलरी में काम हमेशा करोगे और वहाँ तुमको ना 2200 से लगाई 2500 तक ले सैलरी महीना का आएगा रिंगिट, और उसके बाद इंडिया में उतना आराम से बाकी 12 बजे तक ले अंदर में रूम पर रहोगे भाई, ठार से सोओगे बढ़िया से मस्त फर्स्ट क्लास के, वो सही रहेगा भाई। ऐसा ना सोच के आना कि हमको 1800 नहीं मिल रहा है, हमको 1500। भाई तुम ना गूगल मार के देख लो, कुल ना बेसिक काम वैकेंसी निकल रहा है भाई, तो उसमें 1500 रिंगिट सैलरी के निकल रहा है, ऐसे ज़्यादा कोई निकल ही नहीं रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ आपको, अगर वीडियो भाई पसंद है तो भाई लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई, भाई।